क्या आपको पता है दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट प्रोफेशन कौन सा है? या फिर क्या आप जानते हैं कि दुनिया के किस कंट्री के पास सबसे ज्यादा आइलैंड्स है? या फिर क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे आपको टॉयलेट्स में खाना सर्व किया जाता है? तो अगर आपको ये सभी फन फैक्ट्स नहीं पता है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो स्वागत है आपका क्वारियर फैक्ट्स के एक नए वीडियो में, जहाँ पे हम बात करेंगे कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जो शायद आपको नहीं पता होगा। फैक्ट नंबर वन, दोस्तों ये है पाकिस्तान का पहला 5 रुपीस नोट। पर क्या आपको इसमें कुछ अजीब लगा? गौर से देखिए और इस अजीब बात को बताइए। ओके, मैं ही बता देता हूँ। अगर आपने इस नोट को गौर से देखा होगा तो आपको इस नोट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का लोगो मिलेगा। जी हाँ, इस नोट को प्रिंट और इशू किया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। असल में बात ऐसी है कि 1948 के पहले पाकिस्तान के पास कोई नोट प्रिंट और इशू करने की कोई फैसिलिटी नहीं थी, तो इसीलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पाकिस्तान के लिए इस नोट को प्रिंट और इशू किया था। बाद में 1948 के बाद इस नोट को पाकिस्तान की जमीन पे प्रिंट करना चालू किया गया। फैक्ट नंबर टू, दोस्तों दुनिया के हर कंट्रीज में अपने अपने ट्रेडिशनल डिशेस को सर्व करने का अलग अलग प्रोसेस या नियम है। जैसे कि अगर आप इंडिया में हैं तो आपको इंडिया के बहुत से जगह में खाना बैनियन लीव्स यानी केले के पत्ते पे सर्व किया जाता है। पर क्या आपको पता है दुनिया में एक ऐसा कंट्री भी है जहाँ पे डिशेस को टॉयलेट में सर्व किया जाता है? जी हाँ, आपने ठीक ही सुना। दोस्तों ताइवान में एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे अगर आप कोई खाना ऑर्डर करते हैं तो आपको वो खाना मिनिएचर टॉयलेट्स में सर्व किया जाता है। फैक्ट नंबर थ्री, दोस्तों अगर आप कोई नई चीज बनाते हैं या इन्वेंट करते हैं तो आपको उस चीज को अपने नाम पे पेटेंट करना पड़ता है। इससे कोई दूसरा इंसान उस चीज को अपने नाम पे नहीं चला सकता। पर क्या आपको पता है हैलीबर्टन नाम का एक कंपनी है जिसने इस पेटेंट करने की प्रोसेस को ही पेटेंट करने की सोची। इस कंपनी ने एक पेटेंट फाइल किया पेटेंट एक्विजिशन एंड एसोसिएशन बाय ए फर्स्ट पार्टी अगेंस्ट सेकेंड पार्टी के ऊपर। बट फॉर्चुनेटली कंपनी का यह सपना पूरा नहीं हुआ। फैक्ट नंबर फोर, दोस्तों यह है सना फैमिली और यह दुनिया का सबसे लार्जेस्ट फैमिली है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं तो सुन लीजिए। इस फैमिली के हेड जियोना चाना इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मिजोरम में रहते हैं। जियोना चाना की करीब 39 वाइफ्स है और उनकी करीब टोटल 94 चिल्ड्रन है। उनके करीब 14 डॉटर इन लॉज है और 33 ग्रैंड चिल्ड्रन हैं। और ये फैमिली इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मिजोरम के भक्तवांग विलेज में एक 100 स्टोरीज बिल्डिंग में रहते हैं। फैक्ट नंबर 5, हम सभी कुछ ना कुछ काम करते हैं एज ए प्रोफेशन। कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है। पर क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट प्रोफेशन कौन सा है? डेंटिस्ट्री इस दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट प्रोफेशन है। एक स्टडी में पाया गया कि आज से करीब 7500 से 9000 साल पहले भी इंसान डेंटल ऑपरेशंस करते थे। इटली के यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोगना ने एक बाइटिंग रिसर्च कंडक्ट किया जहाँ पे 14,000 ईयर्स ओल्ड एक ह्यूमन का स्कल मिला जिसका एक दांत को स्क्रू से जॉ के साथ अटैच करके रखा गया था। इसके बाद ही ये प्रूव हुआ कि डेंटिस्ट्री ही दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट प्रोफेशन है। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों कोका कोला तो आपने कभी ना कभी पिया ही होगा। दुनिया के करीब हर देश में आपको ये ड्रिंक मिल जाएगा पीने के लिए। पर दुनिया में सिर्फ 2 ऐसे देश है जहाँ पे आपको कोका कोला पीने के लिए नहीं मिलेगा। ये दोनों देश है नॉर्थ कोरिया और क्यूबा। नॉर्थ कोरिया और क्यूबा ये दोनों कंट्रीज ही बहुत से लॉन्ग टाइम से US सैंक्शंस के अंडर रहे हैं और इसीलिए कोई भी US कंपनी जैसे कोका कोला और आईफोन इन दो कंट्रीज से ट्रेड नहीं कर सकता है। तो इसलिए अगर आपको कभी नॉर्थ कोरिया या क्यूबा जाने का प्लान हो तो याद रखना वहां पे आपको कोका कोला नहीं मिलेगा। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों फ्रांस एक ऐसा कंट्री है जहां पे दुनिया में सबसे ज्यादा टूरिस्ट विजिट करते हैं।
यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना और इटली को बीट करते हुए फ्रांस दुनिया का मोस्ट टूरिस्ट फेवरेट कंट्री बन चुका है। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के एक रिपोर्ट के हिसाब से 2017 में इस यूरोपियन कंट्री में करीब 86.9 मिलियन टूरिस्ट ने विजिट किया था। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों इस समय इंडिया में गर्मी चल रही है और इंडिया में गर्मी के समय टेम्परेचर 38 से 40 तो इजीली चला जाता है, पर क्या आपको पता है अर्थ पर रिकॉर्डेड सबसे कम टेम्परेचर कितना है? दोस्तों 2014 से 2016 के बीच में एक रिसर्च के दौरान जो लोएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था वो था -144 डिग्री फ़ारेनहाइट। आपको बता दूं ये इतना ठंडा टेम्परेचर है कि इस एयर में बहुत ही कम ऐसे एनिमल्स है जो ब्रीथ कर सकते हैं। अगर आप इस एयर में ब्रीथ करते हैं तो आपका लंग्स जम जा सकता है और आपकी डेथ भी हो सकती है। फैक्ट नंबर 9, यह है यूएसए का फ्लैग, यह है यूके का फ्लैग और यह है हमारा प्यारा इंडिया का फ्लैग। इन सभी फ्लैग्स में आपको बहुत से कलर्स और कलर के सिंबल्स देखने को मिलेंगे, पर क्या आपको पता है पर्पल एक ऐसा कलर है जो इन फ्लैग्स में सबसे रेयर पाया जाता है। दुनिया में सिर्फ दो ही कंट्रीज ऐसे हैं जिनके फ्लैग्स में इस पर्पल कलर को यूज किया गया है। निकारागुआ के फ्लैग में आपको एक रेनबो देखने को मिलेगा और इस रेनबो में आपको इस पर्पल कलर को देखने को मिलेगा। दूसरी ओर डोमिनिका के फ्लैग में आपको एक पैरट देखने को मिलेगा जिसका फेदर्स पर्पल कलर का है। फैक्ट नंबर 10, 221,800, मैं कोई पैसे की बात नहीं कर रहा, यह है स्वीडन में आइलैंड्स के नंबर्स। जी हाँ, दुनिया में स्वीडन में सबसे ज्यादा आइलैंड्स पाया जाता है। इस नॉर्डिक कंट्री के पास दुनिया के किसी भी और कंट्री से ज्यादा आइलैंड्स है। इन 221,800 आइलैंड्स को लेकर बना हुआ कंट्री स्वीडन, पर अजीब बात यह है कि यहाँ पे सिर्फ 1000 आइलैंड्स ही ऐसे है जहाँ पे ह्यूमंस रह सकते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ग्वालियर फैक्ट्स की तरफ से मैं रॉय आज आपसे अलविदा चाहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।